स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं और एक स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा। आजकल इस स्टॉक को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रही है। जी, आप लोग सही सुन रहे, बैंक सेक्टर का स्टॉक्स है। और पिछले दिन हमने देखा उसमें 30% का गिरावट, यानी 200-300 रुपए का स्टॉक्स में 30% का गिरावट है एक दिन में। और मैंने इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी किया था और वीडियो अपलोड भी किया था और मैंने लेवल भी प्रोवाइड किया था कि किस लेवल तक जो पुराने होल्डर से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, स्कोर अप कर सकते हैं, और जो फ्रेश बायर से उन लोगों को भी मैंने जानकारी दिया कि कब बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर से आज उसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 गेनर स्टॉक में से आज की डेट में ये स्टॉक है लिस्ट में और 3% अबव पॉजिटिव में है। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा सपोर्ट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को निफ्टी 50 गेनर लूजर। निफ्टी 50 गेनर्स में से सेकंड जो स्टॉक है येस बैंक। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं, येस बैंक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। 3.57% गेन के साथ आज क्लोज हुआ है, उछाल के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस था 168, लेकिन आज की डेट में ओपन हुआ 162, यानी गैप डाउन ओपन हुआ, 6 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। 6 पॉइंट नीचे ओपन होने के बाद हाई देखिए 178, लो भी आप लोग देख सकते हैं 160, यानी स्टॉक आज की डेट में। तो फ्रेंड्स, येस बैंक गैप डाउन में ओपन हुआ, गैप डाउन में ओपन होने के बाद लो भी ओपन के नीचे, लेकिन हाई देखिए 178 और क्लोज भी देखिए 174, यानी 6 पॉइंट गेन के साथ 3.57% उछाल के साथ आज क्लोज हुआ, यानी प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होके टुडे ओपन के नीचे लो बनाने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक्स अगर आप एनालिसिस करना करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ और लो भी बनाया, लेकिन क्लोज कितने में हुआ, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के और टुडे ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। तो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि लो तो बनाया था लेकिन स्टॉक ने काफी रिकवरी किया, क्योंकि स्टॉक में जितना गिरावट आना था गिरावट आ चुके हैं और उस गिरावट के चलते मैक्सिमम ट्रेडर्स ने माल उठाना शुरू कर दिया डिलीवरी के लिए, जिसके कारण डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड भी देखिए 23.98 यानी 24% के साथ क्लोज हुआ और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। तो अगले दिन जब तक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं और प्रीवियस डे की यानी आज की डेट की ओपन प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी पोजिशन को होल्ड करके रख सकते हैं। मैंने पिछले बार जब वीडियो अपलोड किया था तब मैंने क्या कहा था कि जो पुराने होल्डर्स है जब तक 52 वीक लो को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, स्क्वायर अप मत कीजिए, मैंने ये जानकारी दिए थे। लेकिन आज वो रिवाइज्ड हो गया, कहने का मतलब जो लेवल था वो चेंज हो गया, क्योंकि
मार्केट की सेंटिमेंट, स्टॉक की सेंटिमेंट, स्टॉक की बिहेवियर, प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी डिसीजन को भी चेंज करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक BWAP को ब्रेक डाउन करने के बाद टुडे ओपन प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक जो पुराने होल्डर से अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, स्क्वायर अप मत कीजिए, क्योंकि उसमें और भी फ्रेश बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज सिर्फ 23.98% यानी 24% और भी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही जाने माने स्टॉक्स है प्राइवेट बैंक सेक्टर में से। तो देखिए, प्राइस एक्शन के बारे में चर्चा किया, पूरी एनालिसिस करने की कोशिश की, यहाँ पर 4 मिनट लग गए, तो कुछ भी जानने के लिए कुछ टाइम लगते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट देखें, तो टेक्निकल चार्ट में वन डे चार्ट को अगर देखें और समझने की कोशिश करें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं RSI ट्रेंड ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ रवाना, यानी RSI का जो रेशियो है अभी 22 है ओवरसोल्ड में है अभी तक, और ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा MACD अभी तक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन RSI ऊपर की तरफ है और प्राइस एक्शन कैंडल भी ऊपर की तरफ है, गैप डाउन में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो एक बार सोच के देखिए, स्टॉक को अगर और भी नीचे जाना था तो गैप डाउन में ओपन होने के बाद नीचे क्लोज होता, लेकिन वो गैप डाउन में ओपन होने के बाद प्रीवियस डे की ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, सॉरी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये वन डे चार्ट में, अगर हम इसको वन वीक चार्ट में कन्वर्ट करें तो वन वीक चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी तक ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक और नीचे गिर सकते हैं। तो वन वीक चार्ट को देखते हुए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, जो पुराने होल्डर्स हैं जो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है, 30 पॉइंट 50 पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों को मैं जानकारी देना चाहूंगा, जब तक 52 यानी 146 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और जो फ्रेश बायर से आज बाई किया डिलीवरी में, जब तक आज की ओपन प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, यानी 162 तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों लेवल मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। तो अब हम वन मंथ में देखने की कोशिश करते हैं, एक बार वन मंथ में देखें, तो यहां पर देखिए RSI जो है, RSI अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और रेशियो जो है 41 में है, तो हम ये सोच के चल सकते हैं। कहने का मतलब है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि येस बैंक और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और फ्रेंड्स, वन आवर्स के चार्ट में आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा नतीजे। देखिए, यहाँ पर MACD ने इनिशियल बाइंग सिग्नल दे चुका है, क्योंकि मेन लाइन सिग्नल को ब्रेकआउट किया, हिस्टोग्राम बार नीचे की तरफ डिक्रीज होकर ऊपर की तरफ इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, और RSI देखिए ओवरसोल्ड जोन से नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस एक्शन को भी आप लोग देख सकते हैं नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की संभावना है, क्योंकि 9 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है, 15 डेज क्लोजिंग प्राइस को जैसे ब्रेकआउट करेगा तो हमें ऊपर की तरफ एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सही, हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर के पास पहुंचे, क्योंकि सेम स्टॉक में मैक्सिमम ट्रेडर, अनलिमिटेड ट्रेडर अगर ट्रेड करते हैं तो बायर्स के प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो स्टॉक ऊपर भागता है, लेकिन अगर हम कंजूसी करते हैं उसको शेयर करने में, लोगों को ये जानकारी देने में कंजूसी करते हैं, तो सिर्फ मैं ही बाय करूंगा उसमें और कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस चेंज कब होता है, जब बायर प्रेशर ज्यादा होता है यानी ऊपर की तरफ, और
डाउन मूवमेंट कब होता है, जब सेलर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसीलिए तो आप लोग, मैं, हम सभी वॉल्यूम को देखते हैं, डिलीवरी परसेंटेज को देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। क्यों देखते हैं, इतने सारे चीजें क्यों फॉलो करते हैं हम लोग, इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, ऑल सेगमेंट के कॉल प्रीमियम मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस देना चाहते हैं तभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% इक्विटी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। और फ्रेंड्स, आस्था में जो लोग मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं उन लोगों को मैं जो कॉल प्रोवाइड करता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, एक मिनट टाइम लेना चाहूंगा। जैसे कि आज मैंने जो कॉल प्रोवाइड किया था यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, पिछले दिन रात को 8:56 में 56 मिनट में निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉल मैंने दे दिया था टुमरो लेवल्स के। और उसके बाद आज देखिए, विप्रो दिया, बजाज इलेक्ट्रिक दिया, विप्रो थर्ड टारगेट डन, बजाज इलेक्ट्रिक नियर सेकंड टारगेट डन। उसके बाद निफ्टी ऑप्शन दिया मैंने, देखिए निफ्टी ऑप्शन दिया, जस्ट डायल फ्यूचर दिया, और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 11,700 कॉल टारगेट डन। उसके बाद 11,700 कॉल सेकंड टारगेट डन, बैंक निफ्टी फ्यूचर काउंटर ट्रेड सेकंड टारगेट डन। ठीक है, सेलिंग साइड स्टॉप लॉस हुआ था, बाइंग साइड टारगेट हुआ बैंक निफ्टी फ्यूचर का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 11,800 का पुट टारगेट डन, यानी पुट को मैंने सेल करवाया था। डिवाइस ले फ्यूचर सेल टारगेट डन, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस सेल ऑल टारगेट डन फ्यूचर का। तो इस तरीके से मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर देखिए क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो अगर अकाउंट ओपन करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना से, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।